एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज देर रात, ये पर्सन किस एनर्जी, किस इमोशंस में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो चीजें व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको यही ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं क्या है इस पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। तो पहला है आपका वॉरियर, विजनरी, फिमिन, फेटल, बैगर, पायोनियर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द आउटसाइडर, कंपेरिजन्स, इंटीग्रेशन, गाइडेंस, आइसोलेशंस। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं कुछ राशियों, कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका सेजिटेरियस है। नंबर्स की बात करूँ तो 5, 14, 3 एंड मंथ की बात करूँ तो मई, मार्च, ये मुझे काफी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। जैसे ये फर्स्ट टाइम आप मिले, आपका एनिवर्सरी मंथ, इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को देखना होगा। कंपैरिजन कर रहे हैं ये पर्सन बेसिकली डीप इन डाउन आपका, आप ही के साथ। पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे हो गए हो। पहले आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे, बोल नहीं पाते थे, आपकी जुबान लड़खड़ाती थी, या कहीं ना कहीं आपको पहले रिश्तों की बहुत ज्यादा लिहाज थी, इस इंसान की बहुत ज्यादा लिहाज थी। लेकिन अब आप को तो ये पर्सन एकदम फाइटर बनते हुए, वॉरियर बनते हुए उस तरह से देख रहे हैं जिसका सामना कर पाना अब आसान नहीं है, जो अपनी ही धुन में है, अपनी स्ट्रेंथ में है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजों को बहुत स्मार्टली, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुली डील कर रहा है या कर रही है। तो उस तरह से ये पर्सन आपकी एक छवि, एक इमेज अपने अंदर ही अंदर बना रहे हैं। ठीक है, और वही चीजें ये पर्सन यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ आप ऐसे थे या कहाँ ये पर्सन आपको इस तरह से रखना चाहते थे कि आप इनकी बिना परमिशन के बाहर ना निकलो, या आप बाहरी लोगों से ना मिलो, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना पड़े। क्योंकि जितना ज्यादा बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा, उतना आप इनके इस जंजीर से, इस कंट्रोल से बाहर निकल जाओगे। मतलब एक तरह से ये पर्सन आपको दिखाते तो यही होंगे कि भाई ये आपको एकदम बच्चों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन ये सब चीजें करने के पीछे का मेन मोटिव यही था कि भाई ये आप पर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको वॉरियर बनते हुए पा रहे हैं, उतना ज्यादा ये अपने आप को इस स्थिति में लेकर जा रहे हैं। यानी कि अब आपके सामने तो डेफिनेटली इस इंसान को मजबूत ही बने रहना पड़ रहा है, मजबूत बनकर ही इन्हें दिखाना पड़ रहा है, लेकिन डीप इन डाउन ये पर्सन रो भी रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रही है व्यूअर्स
फॉलोअर्स कि आप धीरे धीरे वक्त के साथ इनसे दूर होते जा रहे हो, या कहां तो आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ा गया जहां पर आप इस रिश्ते में इनकी तरफ बढ़ने के लिए ना हर एक छोटी छोटी चीजों का कन्फ्रंट कर लोगे, या इन पर एकदम डिपेंडेंसी अपनी आप न्योछावर कर दोगे, इनके सामने प्यार की, इनसे बात करने की भीख आप मांगोगे, और ये आपको तब उस तरह से गाइड करेंगे, उस तरह से आपके ये गाइडर बनेंगे। और कहां आप यहाँ पर लड़ रहे हो सामने से आकर, अगर आप ये सब चीजें करते तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इनके साथ रीयूनियन भी करते, और आप इनके साथ किसी रीजन के चलते, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, आप उसकी वजह से इन पर कहीं ना कहीं डिपेंड होकर भी चलते। लेकिन ये सब चीजें ना होने का मतलब ये है कि आपकी तरफ से इन्हें इनडायरेक्ट वे में रिजेक्शंस देखने को मिल रही है कि आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो चीजें भी इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा रुला रही है। तो मुझे एक रोने वाली एनर्जी, दिल, इनका मन, इनका भारी होने वाली एनर्जी ज्यादा यहाँ पर दिख पाई है, या वो ज्यादा हाईलाइट यहाँ पर हो रही है। इनको लगता था कहीं ना कहीं इमोशनली वाइज तो आप इन पर डिपेंड होकर ही रहोगे, क्योंकि आप चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, लेकिन आपका दिल, आपकी एनर्जी, आपकी सोल वो एकदम डिपेंडेंसी चाहती है, या उसने वो वही चीजें देखी है, डिपेंड रहना इमोशनली वाइज स्पेशली, और वही चीजें इस इंसान को आपके अंदर मिसिंग नजर आ रही है। कंपैरिजन इसीलिए इनके थ्रू आपका डीप इन डाउन बहुत ज्यादा यहाँ पर करा जा रहा है व्यूअर्स। चलिए मैं आपको और टैरो से देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बता रही है वॉरियर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए वॉरियर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना आपको एक जख्मी शेर या जख्मी शेरनी के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं, और आपको भी पता है जब किसी शेर को जख्मी करा जाता है ना तो वो और ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है, या उससे खतरा उतना ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इस इंसान को हो ना हो डीप इन डाउन व्यूअर्स आपसे काफी ज्यादा खतरा जैसा महसूस हो रहा है। जो वार इस इंसान ने आपको जख्मी करने के लिए इस्तेमाल करे थे, जो बातें इन्होंने आपके ऊपर मारी थी, या जो बातें इन्होंने आपके ऊपर एज अ ब्लेम इस्तेमाल करी थी, वो सभी चीजें इन्हें आपके हथियार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस चीज की वजह से भी यहाँ पर ये पर्सन बड़े ही दहशत में, बड़ी ही घबराहट में अपने आप को पा रहे हैं। जिस जेल में ये पर्सन आपको देखना चाहते थे, उस जेल में कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को कैद होते हुए पा रहे हैं, और ये पर्सन इसी रीजन के चलते बाहरी लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जितना ज्यादा यहाँ कैद होते पा रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ से निकलने की इच्छाएं दिल में उठ रही हैं, और वहां से निकलने के लिए औरों से इनके थ्रू सलाह मशवरा लिया जा रहा है, क्योंकि इन्हें आप ही से काफी ज्यादा डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि अब आप जो अब की बार आए हो, काफी रिसर्च कर, काफी प्लानिंग कर, काफी सोच वोच कर आप इनकी तरफ बढ़े हो, ताकि आप कहीं ना कहीं इनसे किसी भी कंडीशन में हार ना जाओ, या किसी भी बात पर आपको ना झुटला दिया जाए। तो इस इंसान को व्यूअर सबसे ज्यादा तो डर आप ही से हो रहा है, मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसी रीजन के चलते अंदर ये इमोशनल पर्सन है और बाहर ये लड़कर दिखा रहे हैं आपको। इनको इवन ये चीजें भी लग रही हैं, आप अब यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर जीतना चाहते हो, जीतना चाहोगे, ना कि किसी भी तरह से वो पेन फिर से अपने हिस्से लेकर आना, जो पेन इन्होंने एक वक्त पे आपके हिस्से लिखा था। ठीक है, इनको इस चीज का भी शक आपके ऊपर है व्यूअर्स कि शायद इन सभी चीजों में आपकी कोई तो मदद कर रहा है, या तो आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपकी खुद की नॉलेज, या आपने इतने वक्त में किसी तरह की स्टडी करी है वो, या फिर यहाँ पर आपके परिवार वाले, आपके आसपास के लोग, कुछ कोई तो है जो यहाँ पर ये सब चीजों में आपका साथ दे रहा है, आपका हेल्पिंग हैंड बन रहा है। तो ऐसी भी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर डीप इनसाइड बन रही है। विजनरी एंड कंपैरिजंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं? स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे ना टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है।
टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड सैजिटेरियस, इनको ना इस चीज की थोड़ी सी जलेसी भी हो रही है कि वक्त अब आपकी मुट्ठी में है, वक्त आपने अब अपनी मुट्ठी पर कहीं ना कहीं कैद कर लिया है, तभी तो यहाँ पर आपका लक भी साथ दे रहा है, या तभी तो यहाँ पर जो जैसे आप चाह रहे हो वैसे चीजें हो रही हैं। मतलब एक मन में ये थॉट इनके ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, वक्त आपके हाथों में होने के चलते जीत आपकी हो रही है, या जीत इन्हें आपके पलड़े में ज्यादा नजर आ रही है। आप धीरे धीरे कर वो सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो जो सीढ़ियां इन्हें दिखाई भी नहीं दे रही है, यानी कि इन्होंने सोचा था क्या और क्या से क्या हो गया, वो फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर डीप इनसाइड बनते हुए दिख रही है। बच्चे आप अभी भी हो, इनके हिसाब से वो मासूम बच्चे जिसे बहुत आसानी से काबू में ले लिया गया, लेकिन वो बच्चा कब अपनी सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल को पार कर गया इन्हें उस चीज का पता ही नहीं चला। तो वो सभी चीजों को यहाँ पर ये पर्सन बैठ कर इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, या यू कहो तो इन सभी चीजों को ये पर्सन खुद से फॉरकास्ट कर रहे हैं, खुद से इन चीजों को ये पर्सन एज्यूम कर रहे हैं। भले अभी आपके हिस्से वो जीत आई ना हो, लेकिन ये इस लेवल पर आपको देख रहे हैं जहाँ पे आपको जीत पाना, आप तक पहुंच पाना इन्हें अपनी साइड से एकदम इम्पॉसिबल जैसे बनता हुआ फील हो रहा है, ठीक है व्यूअर्स। इनको ये लगता था कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि आप अकेले जंग लड़ जाओगे, अकेले जीत जाओगे। तो वो सभी चीजें भी ये पर्सन उस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद आपका लक आपके साथ था इसीलिए आपको ये जीत भी मिली, वरना आपके अकेले के बस की तो ये थी ही नहीं। इंटीग्रेशन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, करंट डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या बन रही है, स्प्रिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। सिक्स ऑफ वैंड एंड डेथ है, तो यहाँ पे एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड डेथ स्कॉर्पियो। देखिएगा व्यूअर्स, ये चीजें तो आपको माननी पड़ेंगी और इस चीज को आपको भी स्वीकारना पड़ेगा कि इस रिश्ते में खत्म करने के बावजूद भी जीत आपके हिस्से आई है, क्योंकि ये पर्सन अपनी साइड से वो जीत आप ही के हिस्से में देख रहे हैं, या तो ये इनका भ्रम है या ये हकीकत है, और उस हकीकत को आप अभी तक कहीं ना कहीं मान नहीं पा रहे हो, जबकि जीत इन्हें हर तरह से आप ही के पलड़े में ज्यादा नजर आ रही है। इन्हें ये लगता था या इन्हें ये गुमान था एक वक्त पे ये आपके पंखों को जलाकर इस रिश्ते को खत्म करके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि उस कमजोरी के चलते आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा इनकी तरफ बढ़ने का, इनकी बात मानने का, इनके कंट्रोल में रहने का। इसी रीजन के चलते इन्होंने इस रिश्ते में जो इनसे चीजें खत्म हो की थी वो चीजें इन्होंने खत्म करी, लेकिन उन खत्म करने के बावजूद भी जब इन्हें जीत आपके पलड़े में नजर आ रही है तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उतना ज्यादा अंदर से जल रहे हैं, वो जलन इन्हें हो रही है, उस जलन का एहसास हो रहा है जो जलाया इन्होंने आपको था, वो जलन इस इंसान को आपके लिए अटैच्ड भी कर रही है, मतलब एक अटैचमेंट की फीलिंग भी इनके दिल में यहाँ पर लेकर आ रही है। इन्हें लग रहा है अगेन इसी चीज को ये पर्सन काफी ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों की जिंदगी में आया, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको ये हिस्से जीत और इनके हिस्से बहुत बड़ी हार लिख दी है, वो सभी चीजें इन्हें डीप इनसाइड लग रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में चाहते तो थे, लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर, सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पर ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में चाहते थे, वो चीजें यहाँ पर ज्यादा मैं अभी तक की इस रीडिंग में देख पाई हूँ, ठीक है। बैगर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फाइव ऑफ कप्स एंड द लवर्स, मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं आप पे स्पेल वर्क करा जा रहा है, ठीक है, किसी तांत्रिक किसी मौलवी वगैरह के माध्यम से ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में फिर से अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर लेकर आने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं। तो मुझे अभी ये वाइब्स यहाँ पर इंट्यूटिवली भी फील हुई है,
यहाँ पर इस ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा रिग्रेट में, काफी ज्यादा अफसोस में है कि इतनी ज्यादा कमांड पकड़ने की चाह की वजह से ही जो इनके हाथ में कमांड थी वो भी टूट गई। जैसे आप रस्सी को जितना खींचोगे ना उतना ज्यादा उसके टूटने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो वही चीजें आपके पार्टनर के दिल में एक अफसोस, एक गिल्ट, एक पछतावा बनकर यहाँ पर रह गई है। इनकी जिंदगी वहीं पर ही जैसे इस चीज ने थाम दी है। ठीक है, इनको लगता था कि आप इस रिश्ते को पाने के लिए कहीं ना कहीं इनके सामने भीख मांगोगे या फिर इनकी हर गाइडेंस को, हर बात को सुनोगे, उसे हर बात को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन बजाय ऐसा कुछ होने के जो इनके पास था वो भी इनसे छूट गया, वो भी इनसे बिछड़ गया। वो फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स रुला रही है, रोने वाली वाइब्स मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। भले फूट फूट कर, छाती पीट कर नहीं रोया जा रहा, लेकिन बंद अंधेरे कमरे में अपने आप को अकेला करके डेफिनेटली ये पर्सन रो रहे हैं। उसकी वाइफ से यहाँ पर फिर से यहाँ पे आई है। ठीक है, और इसी रीजन के चलते किसी बाबा वगैरह से भी ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं आइसोलेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आइसोलेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस एंड सिक्स ऑफ सोर्स, अब इन्हें ना डर लग रहा है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप भी यहाँ पर न्याय की बात कर रहे हो और कहीं ना कहीं हालात भी अब इस तरह से बन गए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात हो रही है। तो ये सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा डरा भी रही हैं। निकलने की इच्छा है कि बस किसी भी तरह से सिचुएशन से निकल जाए, कौन सी वो घड़ी आए, कौन सा वो पल आए जिसके चलते ये उसका फायदा उठाए और वहां से निकल जाए। तो उस तरह की चीजें भी आपके पार्टनर के मन में, दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं। इन्हें खतरा सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना वो आप ही से हो रहा है या आप ही से लग रहा है, और उसके अलग ये पर्सन आपसे, आपके वो जो न्याय नाम की डिमांड है ना उससे भी इन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है। आप इस इंसान को ऐसा फील हो रहे हो जैसे कि भले इनकी जिंदगी में वैसे प्रॉब्लम ना आए लेकिन आप इन्हें ना बख्शोगे नहीं। इनकी जिंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम बिना लाए आप यहाँ पर इन्हें बख्शोगे नहीं, वैसी फीलिंग तक इस इंसान को यहाँ पर आ रही है। चलिए मैं यहाँ पर ना देखती हूँ आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनकी उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए एनी की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। व्यूअर्स से डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, तो कहना आपसे अपनी जेलेसी के चलते यही रहे हैं कि आपके प्यार में जितना पड़े थे ना एक वक्त पे, ये उतना ज्यादा यहाँ पर उस प्यार से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, हालांकि आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग भी करी जा रही है। आई एम अ प्लेयर, अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी ये पर्सन समझते थे लेकिन इनकी समझ ने इन्हें ना समझ बनाकर रख दिया। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जेलसी फील करते हैं अब आपसे ये पर्सन। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, और सोने से पहले अब कोई लास्ट थॉट मन में आता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही इस इंसान को आता है, तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट नॉट लीस्ट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपकी एनर्जी जरूर सीखती हूँ क्योंकि मुझे इस पर्सन की तरफ से अभी तो नहीं दिख रहा है एक्शन आने का कोई चांस, क्योंकि बड़े ही डरी हुई एनर्जी में है बेसिकली ये पर्सन इस रीजन के चलते। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। तो यहाँ पे इनडिसीजन, कंफ्यूज्ड हो भाई आप भी, फिफ्थ चक्र आर्टिफिशियल वो आर्केंजल गैब्रियल हीलर ऑफ द एजेस, सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल। देखो पहली चीज तो फिफ्थ चक्र और सेकंड चक्र पे काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है।
ये दोनों ही चक्रास आपके क्योंकि हील नहीं हुए हुए हैं, इसी रीजन के चलते आप अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पा रहे हो, कन्वे नहीं कर पा रहे हो, और इसी रीजन के चलते आप अपनी जिंदगी में कोई सही फैसला तक नहीं ले पा रहे हो। वक्त अब आप यहाँ आपके लिए स्पेशली व्यूअर्स आ गया है कोई सही और सटीक निर्णय लेने का, कोई सही सटीक डिसीजन लेने का, क्योंकि अगर आप अभी भी डिसीजन नहीं लोगे तो आप सिर्फ मात्र अपने वक्त की बर्बादी करोगे या सिर्फ मात्र आप अपनी जिंदगी को उलझा कर रख दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फिफ्थ चक्र और सेकंड चक्र पे वर्क करो, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाओ, ठीक है, और देन फिर अपनी बात को सही तरीके से रखो, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर निर्णय भी खुद लेना पड़ेगा। आप दूध पीते बच्चे अब नहीं रहे हो, बात यहाँ पर जिंदगी की है, एक साल दो साल की जिंदगी नहीं है, अभी बहुत बड़ी यहाँ पर जिंदगी है, और उसी के चलते यहाँ पर अब फैसला लो आप खुद से, वो फैसला जो आपने इनके ऊपर छोड़ रखा है, अब वो फैसला खुद के पल्लड़े में लेकर आओ और अपने बारे में सोचो। अब ना सोचो तो रिश्ते के बारे में भी मत सोचो, इस इंसान के बारे में भी नहीं, सिर्फ अपनी खुशी, अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में। अगर इन सब चीजों के बाद भी ये आपके मन में आता है कि नहीं ये मुझे बेहतर फ्यूचर दे सकता है या दे सकती है, तो फिर बात अलग है, फिर आप उस हिसाब से फैसला लो। लेकिन अगर 1% भी ये चीजें आती है कि नहीं इस पर्सन के बस की बात नहीं है, तो पागल है, तो फिर अपना फैसला अलग डायरेक्शन में आप लो, ठीक है। ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एक होमवर्क दिया जा रहा है, आप मुझे बताइएगा इसी रीडिंग पर आकर कि आपने इस होमवर्क पे कितना वर्क करा और आपने अल्टीमेटली अपने लिए क्या डिसीजन लिया, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड ये सभी आपने नहीं दिया तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।